बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप लोगों ने ये वीडियो देखनी है तो आपने वीडियो क्वालिटी को कम से कम 480 पर कर लेना है। 720 पर कर लेंगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपका नेट स्लो है तो फिर आप वीडियो क्वालिटी को 360 पर रखें कम से कम, और मोबाइल की स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा कर दें तो इंशाल्लाह बोर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा। 480 जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, उस पर नेट भी कम खर्च होता है और जो वीडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आ रही होती है। तो अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो नेट की स्पीड है वो किस तरह की है। लेक्चर सीरीज़ का जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेक्चर नंबर 13, मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 1 है। एक्सरसाइज जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ 1.3। इससे पहले हम 1.2 जो है वो कम्प्लीट कर चुके हैं, 1.1 भी हम कर चुके हैं और उसका हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। इससे पहले जो हमने 12 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उनमें उन दोनों एक्सरसाइजेस का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो वो काइंडली देख लें पहले, फिर इस पर आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। एक बात, अब हमारे पास जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें एक्चुअली 5 टाइप हम डिस्कस करेंगे जिनको हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, होंगी नहीं वो क्वाड्रेटिक। पहले हम उनको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर फर्दर उनका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। जो पहली टाइप है दैट इज़ ax4 प्लस bx2 प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें x की पावर 4 है, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। पहले हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ताकि हमने जो तीनों मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उनको यूज़ करें और फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब क्वाड्रेटिक आपकी बन जाएगी उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किस मेथड से करें, लेकिन फैक्टराइजेशन और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वो कंपैरेटिवली इजी है। बच्चे जो हैं वो उनकी जान जाती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो उससे अवॉइड कर लें तो बेहतर है। वैसे आप अगर आप यूज़ करना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, हमारे पास है 2x4 माइनस 11x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वो देखें, वो x4 था, यहाँ भी x4 है। इट मीन ये बाय क्वाड्रेटिक है। बाय क्वाड्रेटिक को हम रिड्यूस करेंगे किस में? क्वाड्रेटिक में। किस तरह से? कि हमने वो जो स्क्वेयर वाली टर्म है, ये x4 है, ये x2 है, स्क्वेयर वाली टर्म को, हाफ पावर को, जो पावर आधी है उसको आपने किसी लीनियर वेरिएबल के इक्वल रख लेना है। वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, रूटीन में हम यहाँ पर y रखते हैं तो आप y ही रखें। हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट x2 इज इक्वल टू y। मतलब आपने सब्सिट्यूशन करनी है x2 को किसके इक्वल रखना है, y के। आप यहाँ s, t, u और v भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में चूंकि उसने y डिस्कस किया तो बेटर यही है कि आप y ही रखें। फिर अगर x2 y है और हम बोथ साइड पर स्क्वेयर ले लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा x2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू y2 होल स्क्वेयर। हमारे पास बनेगा x4 इज इक्वल टू y था, हमारे पास बनेगा y2। इट मीन हमारे पास जो x4 है वो किसके इक्वल है, y2 के। जो x2 है वो किसके इक्वल है, y के। आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में जो आपको गिवन है बाय क्वाड्रेटिक, वहाँ पर x2 की जगह y पुट करना है, और जहाँ x4 होगा वहाँ हम क्या प्लेस करेंगे, y2। ओके, करें पुट जी। फिर क्या बनेगा, मैं इसको रेड से कर दूँ ताकि आपको पता लगे कि हमने सब्स्टिट्यूशन की है। 2y2 यानी x4 की जगह हमने y2 पुट किया, माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हुआ क्या है, बाय क्वाड्रेटिक से किस में चेंज हो गई है, क्वाड्रेटिक में। इक्वेशन कहाँ चेंज, किस में चेंज हुई है, बाय क्वाड्रेटिक से रिड्यूस हुई है क्वाड्रेटिक में। बेशक उसका वेरिएबल डिफरेंट हुआ है, लेकिन हमारे पास इस वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड। वो आपका फैक्टराइजेशन भी हो सकता है,
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी हो सकता है और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोनों यूज़ करें, कौन कौन से फैक्टराइजेशन, और अगर फैक्टराइजेशन से ना हो तो फिर हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, अब हमारे पास जब हमने इसको ज़रा गौर से देखा तो 5 2 10, क्या 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको हम अगर हम प्लस माइनस करें तो 11 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? 10 ones are 10, देखें हमारे पास 10 है, इसको अगर हम 1 पे करें तो ये 10, इन दो फैक्टर अगर हम इनको अरेंज करें, प्लस माइनस करें, तो हमारा माइनस 11 बन सकता है। देखें ज़रा, हमारे पास बनेगा 2y² - 10y - y, 1y लिखना था लेकिन 1 नहीं लिखते हम, मैंने इसलिए नहीं लिखा, प्लस y, 5 = 0। अच्छा, इस माइनस वाई को पहले और माइनस टेन वाई को बाद में लिख दें तो क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ता, एक बात ये। दूसरे को और मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर यहाँ नेगेटिव हो, यहाँ पॉजिटिव हो और आप मिड टर्म ब्रेक करने जा रहे हो, तो दोनों जो फैक्टर बनेंगे वो हमेशा मिडल टर्म से छोटे होंगे और नेगेटिव के होंगे। यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव हो, तो दोनों जो फैक्टर होंगे इस मिडल टर्म से कम होंगे और दोनों नेगेटिव होंगे। अब अगर आप माइनस टेन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस टेन आता है, और हमें प्लस टेन ही रिक्वायर्ड था, 5 2s are 10। ठीक, ये आपने डिटेल से चैप्टर 5 में 9th क्लास में डिटेल से वो आपकी मिड टर्म ब्रेकिंग की हुई है, तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा माइनस 11y के मैंने दो फैक्टर बनाए, कैसे, कौन कौन से, माइनस 10y और माइनस y। ओके, अब फर्स्ट टू टर्म से और लास्ट टू टर्म से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो आएगा 2y, 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस 5, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 = 0। अब आपने इसको वन टाइम लिखना है, कॉमन लेके हम क्या करेंगे, इसको वन टाइम लिखेंगे, हमारे पास आएगा y माइनस 5 और साथ आएगा 2y - 1 = 0। अब है ऐसा कि जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा हो तो उसको हम सॉल्व करने के लिए दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रख सकते हैं, जीरो के, हम रखेंगे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों को जीरो के इक्वल रख सकते हैं, हम लिखेंगे, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले एक्सरसाइज में, y - 5 = 0, 0 दरमियान में लिखेंगे, और 2y - 1 = 0। ओके, फिर क्या होगा, अब आपने यहाँ से y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, y = 5 होगा, या फिर y = 1/2। ये 1/2 कैसे आया, अब आप चूंकि 10th में हैं तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको आती होंगी, इधर माइनस वन था, इधर आके प्लस वन हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डायरेक्ट डिवाइड हो गया, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन एंड हुआ है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अभी बाकी है। क्या है उसमें, हमारा जो क्वेश्चन था वो तो y में था ही नहीं, वेरिएबल हमारा था x, एक्चुअली हमने x कैलकुलेट करना है। ओके, हमने सपोज किया था कि x² किसके इक्वल है, y के, तो जहां y होगा वहां आप दोबारा से क्या प्लेस करेंगे, x²। तो मैंने किया क्या, ये एरो लगाने नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूं, मैंने लिखा x² = 5, ओके, x² = 1/2। हमें x² तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें रिक्वायर्ड है x, तो हमने स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए क्या करना होता है, वाला स्क्वेयर रूट लेना होता है, लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, लें जी स्क्वेयर रूट लें x², जैसे ही स्क्वेयर रूट लेते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, साथ ही आप क्या लिख देते होते हैं, प्लस और माइनस, दरमियान में लिखेंगे और प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। ओके, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, हमारे पास x = क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5। ओके, या फिर x = ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ये भी
ये वाला भी। अच्छा, वन का स्क्वायर रूट वन नहीं आता, कैलकुलेटर पर करके देख लीजिएगा, प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट टू। टू का सॉल्व नहीं होता तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अब आपके फोर आंसर आए हैं। जब इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक होगी तो आंसर भी आपके फोर ही आएंगे। बाई क्वाड्रेटिक मीन ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, फोर हो। ओके, अब ये फोर आंसर आए हैं तो अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट में ये चारों लिखना है। एक प्लस अंडर रूट फाइव है, माइनस अंडर रूट फाइव, एक प्लस वन ओवर अंडर रूट टू, और दूसरा कौन सा है, माइनस वन ओवर अंडर रूट टू। हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट फाइव और प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट टू। अगर आप चाहते हैं कि इसको पहले लिख देते और इसको बाद में लिख देते तो क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता। एक पार्ट मैं आपको और करवा दूं, डस्टर अगर मैं ये रब कर दूं, ये टाइप भी रब कर दूं तो यहाँ एक और क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखें जरा, टू एक्स फोर क्वेश्चन टू, टू एक्स फोर, थोड़ा आगे करके लिख दूं ताकि मिक्स ना हो, टू एक्स फोर इज इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो सब कुछ जो है, सारी टर्म्स एक साइड पर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होनी चाहिए। ओके, अब आपने करना क्या है, सबको पहले एक साइड पर लिखना है, एक साइड पर जीरो होना चाहिए, सारी टर्म्स शिफ्ट करें। सॉल्यूशन लिखेंगे हम टू एक्स फोर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने पहला काम ये किया है कि सारी टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट किया, इक्वालिटी के एक साइड पर ज़ीरो आ गया। जब आपने इसको दोबारा से गौर से देखा तुम्हारे पास ये बाय क्वाड्रेटिक है, सेम ये वाला क्वेश्चन है। अगर ये बाय क्वाड्रेटिक है तो हमने स्क्वेयर वाली टर्म को जो एक्चुअली हाफ पावर है उसको किसके इक्वल रखना है, वाई के। तो हम लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। अगर ऐसे है तो x4 जो आपकी क्या बनेगी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिख सकते हैं, वहां मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, वैसे आप लिख सकते हैं। अगर x2 जो है वो y की इक्वल है, आपने लेट किया, तो x4 जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल आएगी, 4 मैंने बड़ा करके लिख दिया, शायद कैमरे में नजर ना आए आपको। तो x4 किसके इक्वल है, y2 के। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज जो हैं वो प्लेस करनी है। हम लिखेंगे जहाँ x4 था वहाँ हम लिखेंगे y2, 2y2 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 4 टू आर 8, इसकी मिड टर्म बड़े आराम से हो जाएगी। 8 के ऐसे दो फैक्टर के 9 बने, बिल्कुल इसी फॉर्म, इसी पैटर्न पर। 5 टू आर 10, 10 के ऐसे दो फैक्टर के 11 बने, तो 10 और 1 बना था। अब उसी तरह से 4 टू आर 8, 8 के ऐसे दो फैक्टर के माइनस 9 बने, तो माइनस 8 माइनस 1 बनेगा। ठीक, तो हम इसको करेंगे 2y² माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अगर आप ऐसा करते कि माइनस एट को बाद में और माइनस वाई को पहले लिख देते तो क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। अब पहली दोनों टर्म से कॉमन लें, टू वाई कॉमन लिया तुम्हारे पास आएगा वाई माइनस फोर, माइनस वन कॉमन लिया तो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब पहली दोनों कह रहा हूँ, ये जो वन वाई माइनस फोर, वाई माइनस फोर टू टाइम्स आया, इसको आपने कॉमन लेके वन टाइम लिखना है, कॉमन लेके वन टाइम लिखा जाता है, याद रखें। इस पर मैं रेड से टिक कर दूँ, ये लें जी, इसको आपने कॉमन लेके वन टाइम लिखा, हमने लिखा वाई माइनस फोर और साथ का टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो हो तो दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल लिखा जा सकता है। तो क्या होगा बच्चों,
y माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, दरम्यान में लिखूंगा और 2y माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। जी अब हमारे पास y की वैल्यू निकाल लेंगे हम, y माइनस फोर था 2y माइनस वन था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फोर, y इज इक्वल टू वन बाई टू। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन एंड हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। और उस पिक्चर में क्या शामिल है कि आपने ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y था, तो y की वैल्यू दोबारा से आपने प्लेस करनी है, ताकि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी वेरिएबल को वो कह रहा है फाइंड आउट करें, तो हमने दोबारा से उसको वापस लाना है। तो हम करेंगे क्या कि y की वैल्यू जो है जो कि एक्स स्क्वायर है वो दोबारा से प्लेस करेंगे। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हम लिखेंगे वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर कह रहा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। हमने इस वाई की वैल्यू जो कि एक्स स्क्वायर हमने प्लेस की थी, और इस वाई की वैल्यू जो है जो कि एक्स स्क्वायर है वो हमने प्लेस की थी, तो हमने दोबारा से वापस प्लेस कर दी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, दरम्यान में लिखूंगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू। अब हमें एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें एक्स चाहिए, तो हम करेंगे क्या कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने आपसे कहा था जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे एट द सेम स्टेप, उसी स्टेप में आपने प्लस माइनस कर देना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय टू और इसका अंडर रूट। अब आई होप कि आपको बोर्ड वहाँ पर नज़र आ रहा होगा, अब कैमरे के पीछे एक्चुअली कोई नहीं है तो मुझे नहीं आइडिया, मेरे ख्याल है आ रहा होगा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। हमारे पास क्या आ रहा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, दरम्यान में लिखेंगे और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट टू। अब हुआ क्या है, वन का स्क्वायर रूट हमें पता है वन होता है, इसी तरह फोर का स्क्वायर रूट टू होता है, तो प्लस माइनस टू और वन का स्क्वायर रूट वन ही, अंडर रूट टू जो है वो सॉल्व नहीं होता, तो उसको मैंने एज इट इज रखा। अगले स्टेप में आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और ये चारों वैल्यूज चार हैं, दो दो ये और दो ये, प्लस टू और माइनस टू, एंड प्लस वन ओवर अंडर रूट टू माइनस वन ओवर अंडर रूट टू, तो ये चारों लिख दें, अब जिस सीक्वेंस से मर्जी लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिखेंगे प्लस माइनस टू और प्लस माइनस वन ओवर अंडर रूट टू, ये आपका आंसर। मैं आपको इसके थर्ड और कोशिश करता हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में करा दूँ।